नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण बागटी आप सभी का A to Z हेल्थ ज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सिंघाड़ा खाने के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों आप लोग सिंघाड़ा को जानते होंगे, ये दोस्तों जाड़े के मौसम में आपको मिलता है मार्केट में भी दोस्तों, और गाँव के तालाबों में दोस्तों ये पैदा होता है। बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए दोस्तों, कई रोगों से बचाता है दोस्तों ये सिंघाड़ा। आज इसके गुणों के बारे में हम बताएंगे दोस्तों, इसका सेवन किन किन रोगों में या किन किन चीज़ों में करना चाहिए दोस्तों, और क्या फ़ायदा पहुंचाता है, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तृत जानकारी मिलेगी। पूरी हम बात करेंगे इसी पे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उस प्रेस करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंघाड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बड़ा मीठा होता है दोस्तों, हम लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो मार्केट में ये आपको नवंबर से दिसंबर के महीनों में आपको मिलने लगता है, और बड़ा खाने में दोस्तों अच्छा लगता है हम लोगों को। लेकिन दोस्तों इसके औषधीय गुण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये शरीर के कई रोगों को हरता है। बात करें दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है इसमें, प्रोटीन बहुत होता है दोस्तों इसमें, एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है दोस्तों, विटामिन B6 दोस्तों बहुत पाया जाता है दोस्तों। इन चीज़ों के होने की वजह से दोस्तों ये कई रोगों में हमें काम करता है। जैसे दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे बाल झड़ते हों दोस्तों, वाइट हो रहे हों, तो सिंघाड़े का सेवन इस सीजन में जब आता है दोस्तों हमें लगातार करना चाहिए। हमारे बालों को मजबूत करता है, काला करता है दोस्तों, और नंबर दो दोस्तों हमारी त्वचा को बहुत अच्छा करता है, हमारी त्वचा को मुलायम बनाता है, सौंदर्य बनाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे गुण होते हैं दोस्तों जिसके वजह से दोस्तों ये पूरी त्वचा को ये बड़ा सौंदर्यपूर्ण करता है। नंबर तीन दोस्तों, कब्ज की शिकायत जिसको होती है, फाइबर की मात्रा इतनी अधिक होती है दोस्तों जिसकी वजह से जिनको कब्ज की शिकायत होती है, पेट साफ नहीं होता है दोस्तों, आप डेली कुछ ग्राम यानी 50 से 100 ग्राम आप सिंघाड़े का सेवन करिए, आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी दोस्तों। नंबर तीन दोस्तों, इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों, विटामिन B6 होने की वजह से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है दोस्तों, कई तरह के और रोगों को दोस्तों ये बचाता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम भी ये करता है दोस्तों। दोस्तों हमें अगर हमारी आँखों की रोशनी में भी ये बहुत मदद करता है सिंघाड़ा दोस्तों, इसलिए इसका सीजन पे हमें प्रयोग करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो एक वरदान के रूप में होता है, जिनका BP हाई रहता है दोस्तों उनको सिंघाड़े का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, आपके BP को संतुलित करता है दोस्तों, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, इतना इसमें पानी की मात्रा होती है कि आप अगर इसका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम, आपके शरीर में पानी की कमी जो हो जाती है उसको पूरा करने का काम दोस्तों सिंघाड़ा बाखूबी करता है। इसलिए दोस्तों सीजन पे दोस्तों इस सिंघाड़े का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये आप समझ लीजिए कि आपके शरीर को पूरी तरह सुरक्षित करने का काम एक सिंघाड़ा अकेला ही कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है सिंघाड़े में, आपके शरीर को आपके मसल्स को मजबूत करने का काम भी सिंघाड़ा करता है दोस्तों। इसलिए सिंघाड़े का प्रयोग करिए, आप स्वस्थ रहिए दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए रोग के निदान के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।